अस्सलाम वालेकुम जना, मैं मामा शकील तुला दे भाई YouTube चैनल हम शकील ब्लॉग। उम्मीद है कि तुसा सारा खैर खरिया नाल दसो, उम्मीद है कि तुसा सारा खैर खरिया नाल दसो। अल्लाह दे करम नाल ते फजल नाल अद्दा विलाग करने आ शुरू कहने जनाब। मेरी गड्डी रेडी थी चुकी है, मैं मेरा काम ते हुन जल्द सीधा मिलते हैं काम ते। फाइनली जनाब मैं काम ते पहुंच गया, मैं काम ते पहुंचा तो वो काम करना है जरा गल किए थे सारी बार। अज ये काम करने अज उम्मीद है कि वेबसाइट मुकवे से उम्मीद है कि कर खत्म थी वैसे ये खत्म कर दे वाला मेरे दे पे ये नुकर कटनी है। अज ये काम फाइनल कर सो, ये काम फाइनल कर दे वाला वो फाइनल कर सो हाली पहुँ यानी कि टाइम थींदा पे नौ थी टाइम पौने नौ का टाइम थी मैं पौने नौ बजे काम से पुजा। हूँ काम शुरू कर कपड़े चेंज कर चुके से काम वाले कपड़े पा के दस हूँ काम शुरू कर दस। फाइनली जनाब हूँ ये पीस हैं बच्चे ने यार दीवार सारा काम फाइनल थी वैसे ये करते ना वाला इतू घर इन करकटे से इवें ए नुकर कटनी है वाले इन ए नुकर भी कटनी है। फिलहाल एक कटने पैसे एक कटते वाला अगर अंडे का उठाया मोला अंडे कटी सन बड़ा कम हाली पे बड़ा कम पे टाइम देना पे फैनली जनाब पौने दह दा। फैनली जनाब सारा खाना आ चुके अस खाना खंदे पैसे ए खाना आया पे खाना खंदे से ये देखो मच्छी ते नान अगर मच्छी खावनी हो तो मुझे सत बिस्मिल्ला। मुंह खोल के मत खुआ देना क्या सालन पकया वे लेवल दा सालन पकया वे कामना मत आया मंजो। ते फैनल जनाब असा रोटी छोटी खा चुकी है रोटी खा ते असा कर दे हुन काम शुरू करने पैसे वाला सारी गल है। उस्ताद ने छोटी प्रेस दा जिम्मा ला दिता है ये तकरीबन पीस हैं एक दो त्रै चार पाँच छः सात आठ पीस हैं आठ पीस कर दे वाला उड़े पहले जनाब सारा कंप्यूटर ऑन थे चुके उस्ताद है कहना थोड़ा जहाँ कोई कोई सुन कहते थे मालिक बिलाल के सर पे कूड़े मारता है पत्थर मारता है हजरत बिलाल की जुबान पर अहद अहद के नगमे जारी
मालिक बिलाल के ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा रहा है। बिलाल आगे से मुस्कुरा रहा है। किसी ने गुजरते हुए पूछ ही लिया, बिलाल मियां अजीब तमाशा है तेरा, अजीब कहानी है तेरी, और तेरा मालिक तुझे मारता है, तू आगे से मुस्कुराता है, वजह क्या है? आए बिलाल ने आगे जो वजह बयान की है, दिल के कानों से सुनने वाला जवाब है, सोने की तख्ती पे लिखने वाला जवाब है। किसी ने कहा, बिलाल मियां अजीब तमाशा है तेरा, अजीब कहानी है तेरी, और तेरा मालिक तुझे मारता है, तू आगे से मुस्कुराता है, वजह क्या है? बिलाल ने कहा, ओ मेरा हाल पूछने वाले, तुम बाजार में जाओ ना मिट्टी का प्याला खरीदने के लिए, तो उसे भी ठोंक ठोंक के चेक करते हो ये कच्चा तो नहीं, इसकी आवाज तो ठीक है, पैसे देने हैं प्याला लेना है, ठोंक बजा के चेक करते हो कहीं ये कच्चा तो नहीं, इसकी आवाज तो ठीक है। बिलाल को खरीद रहा है और देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है, मैं कहता हूँ मेरे मालिक बिलाल को खरीद ले, खाल उधर जाएगी, हाथ हाथ की आवाज खत्म नहीं हो, मेरे मालिक इस निकम्मे को खरीद ले, इस मजलूम को खरीद ले, कार उधर जाएगी, आका की आवाज खत्म नहीं। बेटे शुक्र का दामन कभी न छोड़ना। आप कह रहे होंगे, शाहजी क्या इमाम हुसैन ने शुक्र पढ़ा था, हम शुक्र नहीं पढ़ते? दीदी हम भी शुक्र पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? लेकिन तब जब कोई लॉटरी निकला, हम भी शुक्र पढ़ते हैं, लेकिन तब जब कुरानदाजे में कोई मोटरसाइकिल निकल आता है। मियां हम भी शुक्र पढ़ते हैं जब बेटी की जगह बेटा पैदा होता है, हम भी शुक्र पढ़ते हैं अगर घर में कोई मेहमान आ जाए, मेहमान कहे कि मैंने रोटी भी खानी है, मैंने खाना भी खाना है, मैंने पानी भी पीना है, मैंने चाय भी पीनी है, बोतल भी पीनी है, हाय फिर तो हम मारे गए, फिर तो हम लूटे गए। अगर मेहमान कहे कि मैं सब कुछ घर से खा के आया हूँ, फिर शुक्र लाऊ, ये हमारे शुक्र के हालात। मैं एक फकीर था, अल्लाह वाला था, उसके दिल का ऑपरेशन हुआ ना, 10 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, 10 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने 5 लाख रुपया बिल भेज दी। बाबा जी ने जैसे ही 5 लाख का बिल देखा तो एकदम जारो कतार रोने लगे, जारो कतार तड़पने लगे। डॉक्टर साहब दौड़कर बाहर आए, बाबा जी क्या हुआ? किसी ने कहा, जी बाबा जी ने 5 लाख का बिल देखा है, जारो कतार रो रहे, जारो कतार तड़प रहे। डॉक्टर साहब ने कहा, बाबा जी आप रोए मत, मुझे लगता है आप गरीब है, गरीब ज्यादा है कोई बात नहीं, थोड़ा बिल कम कर देते हैं, आप रोए मत। बाबा जी ने कहा, डॉक्टर साहब ये तो 5 लाख है, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, और मैं फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, मैं मिलों का मालिक हूँ, मैं मुरब्बों का मालिक हूँ, अल्लाह का दिया सब कुछ है, 5 लाख मेरे सामने क्या है? डॉक्टर साहब ये 5 लाख क्या है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं तो 10 लाख देने की भी इस्तेदाद रखता हूँ। और बाबा जी जब आप हैं भी अमीर, मिलों के मालिक आप, फैक्ट्रियों के मालिक आप, मुरब्बों के मालिक आप, इतने बड़े अमीर हैं, फिर 5 लाख का बिल देखकर जारो कतार क्यों रोने लगे हैं? वजह तो बताएं। जवानों खुदारा, उस बाबा जी के रोने की जो वजह है वो दिल के कानों से सुनिएगा। जब डॉक्टर ने कहा, बाबा जी 5 लाख की चिट्ठी देकर जारो कतार क्यों रोने लगे हैं, तो बाबा जी चीख कर कहने लगे, डॉक्टर साहब 5 लाख का बिल देखकर जारो कतार रो इसलिए रहा हूँ, जारो कतार तड़प इसलिए रहा हूँ कि इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि तूने 10 दिन तक मेरे दिल की रखवाली की है, बिल 5 लाख रुपया मांग लिया है, अफसोस कि जिस मालिक ने सारी जिंदगी मेरे दिल की रखवाली की है उसका तो शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता, मैं अपनी जिंदगी पे रो रहा हूं, अफसोस कर रहा हूं अपनी जिंदगी, तूने 10 दिन तक मेरे दिल की रखवाली की है, बिल 5 लाख रुपया मांग लिया, और जिस मालिक ने सारी जिंदगी मेरे दिल की रखवाली की है उसका तो शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता।
बेटे शुगर का दामन कभी ना छून, सबर का दामन कभी ना छून, नमाज का दामन कभी ना छूना और कुरान का दामन कभी ना छून। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स है, कहने लगा हजरत एक बात तो बताएं, कहा जी कौन सी बात? कहा हजरत आपको जन्नत अजीज है या नमाज अजीज है? आपको जन्नत अजीज है या नमाज अजीज है? नवासे रसूल ने फरमाया मियां मुझे जन्नत से कहीं ज्यादा नमाज अजीज है। अब आगे वाला जो जवाब है ना एक बार सुने तो सही, सीने में ठंड पड़ जाए, जान में जान आ जाए। फरमाया मियां मुझे जन्नत से कहीं ज्यादा नमाज अजीज है और मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज अजीज है, इसलिए कि जन्नत मेरी रजा है और नमाज मेरे सोने रब की रजा। अल्लाह जन्नत मेरी रजा और नमाज मेरे सोने रब की रजा। अल्लाह मेरे करीम नबी अली सलातो वसलाम मैं कुर्बान दूं, मेरे करीम नबी के पास एक शख्स कहने लगा हुजूर एक बात तो इरशाद फरमा दी। कहा जी कौन सी बात? कहा हुजूर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई? ये हमने जो मगरिब के इशा की नमाज पढ़ी है, आका हमें कैसे पता चलेगा कि ये नमाज कबूल हुई भी है या नहीं हुई? मेरे करीम नबी ने फरमाया साहबी जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल हो रही है। जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल। और ये बेटे नमाज का दामन कभी ना छोड़ना और कुरान का दामन कभी ना छोड़ना। सैयदना अली चुल मुर्तजा शेर खुदा के पास एक शख्स है, कहने लगा हजरत मैंने आपके बारे में कुछ नया सुना। कहा जी आपने क्या सुना है? कहा मैंने सुना है कि तू अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह तेरे से बातें करे। बात भी नहीं थी। हजरत मैंने आपके बारे में कुछ नया सुना है। कहा जी क्या सुना है? कहा मैंने सुना है कि तू अल्लाह से बातें करता है और अल्लाह तेरे से बातें करे। क्या ठीक सुना है मैंने? आपने फरमाया मियां तूने ठीक सुना है। कहा कि वो कैसे? सैयदना अली चुल मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया मियां जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान उठाता हूं पढ़ने लग जाता हूं। हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम ने अर्ज की या बारी ताला तेरे नाराज होने की निशानी क्या है? मेरे हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम के विसाल के बाद हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु रात को मदीने की गलियों में गश्त फरमा रहे थे। दौरान गश्त आपका एक बुढ़ी औरत के घर के करीब से गुजर हुआ। आपने सुना उस घर से बुढ़ी औरत की आवाज आ रही थी। बुढ़ी औरत कह रही थी हुजूर आप पर हजारों दुरूद व सलाम हो, हुजूर आप पर हम जैसे नेक बंदों की तरफ से करोड़ों दुरूद व सलाम हो। उसके बाद वो बुढ़ी औरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में दर्द भरे अशआर पढ़ रही थी, रो रो कर तड़प तड़प कर दर्द भरे अशआर पढ़ रही थी। कह रही थी हुजूर आप वो हैं जो दिन रात रोया करते थे, हुजूर हमारी हिदायत के लिए हम जिसे गुनहगार बंदों को बख्शवाने के लिए आप दिन रात मुशक्कतें काटते रहे, दिन रात परेशानियां झेलते रहे, तरह तरह की मुसीबतों का सामना किया। हुजूर हम जैसे गुनहगारों को बख्शवाने के लिए, हम जैसे बदकारों की हिदायत के लिए आप रात के दूसरे पहर रात की तन्हाइयों में रात की तारीकियों में उठ उठ कर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर बख्शवाने के लिए सारी सारी रात दुआएं करते रहे, सारी सारी रात रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगाते रहे। जोर ताइफ वालों ने आपको पत्थर मारे, इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, आपके दांत मुबारक शहीद हो गए, आपके दांतों को शहीद कर दिया गया।
जब लहू निकला तो उस लहू ने आपकी दाढ़ी मुबारक को भी तर कर दिया। जालिमों ने इतना जुल्म किया आप पर, इतना जुल्म किया, एक पांव पर पत्थर मारते आप दर्द की वजह से एक पांव उठाते तो वो जालिम दूसरे पांव पर पत्थर मारते। तो जब दर्द की शिद्दत तेज होने लगती तो आप बैठ जाते। हुजूर, हम जैसे बदकारों की हिदायत के लिए, हम जैसे गुनहगारों को बख्शवाने के लिए आपका हर हर लम्हा मुशक्कत में गुजरा, आपका हर एक पल मुसीबतों में गुजरा। हुजूर, खुदारा हमें माफ कर दीजिएगा। हुजूर, काश कि आप इस दुनिया से ना चाहते, काश आप विसाल ना करते। हुजूर, मेरी जैसी हजारों मैं आपके नाम पर मर जाती। हुजूर, मैं आपके नाम पर मर जाती, आप जिंदा रहते। हुजूर, मेरे बच्चे आप पे कुर्बान हो जाते, आप जिंदा रहते। मेरे हजारों बेटियां, हजारों बेटे, काश कि अल्लाह मुझे देता, मैं सब के सब आपके नाम पे एक एक करके सबको कुर्बान कर देती। आपको आंखों से जुदा हरगिज ना होने देती, आप मेरी आंखों के सामने रहते, हम आपका दीदार करते रहते, आपका नूरानी मुखड़ा देखते रहते। उसके बाद ये बुढ़ी औरत रो रो कर चीख चीख कर कहने लगी, हुजूर अब पता नहीं कयामत के दिन अल्लाह ताला आपसे हमें मिलने देगा या नहीं देगा। जब ये जुमला उस बुढ़ी औरत के मुंह से निकला, हुजूर पता नहीं कयामत के दिन अल्लाह आपसे मिलने देगा या नहीं मिलने देगा। आका, जिस तरह जमाना रंग बदलता है इसी तरह अमल भी रंग बदलते रहते हैं। पता नहीं किस हाल में मरूंगी, पता नहीं अच्छे अमल लेके मरूंगी या बुरे अमल लेके मरूंगी। आका, पता नहीं खात्मा ईमान पे होगा या नहीं होगा। हुजूर, पता नहीं किस हाल में मौत आएगी, आपसे मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जब उस औरत की जुबान से ये जुमला निकला, हुजूर पता नहीं किस हाल में मौत आएगी, आपसे मुलाकात हो पाएगी या नहीं होगी, ये सुनते ही साथ की दीवार के साथ बैठे हजरत सीदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेसाख्ता चीख निकल गई। तड़पने लगे, रो कर कहने लगे, बुढ़िया खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह तुम्हें जजा देगा, उमर को एक बार यही जुमले दोबारा सुना दे, यही जुमले, आका की मोहब्बत के जुमले, आका के प्यार के जुमले, आका की कुर्बानियों के जुमले, आका के इश्क के जुमले एक बार फिर से उमर को सुना दे। सारी जिंदगी तेरी खिदमत करता रहूंगा। उमर, सारी जिंदगी के लिए तेरा मशकूर रहेगा। यही दर्दनाक अशार एक बार फिर से सुना दे, मैं तेरा एहसान मंद रहूंगा। जवानों, वो क्या दिल है जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए लरजता नहीं है, तड़पता नहीं है? वो कोई दिल है, वो तो पत्थर है। यानी जनाब, ऐसा कम दफारक थे जो क्या कम दफारक थे, उन जल्दी मकान थे, सीधा उन जल्दी मकान था मिलता था। गड्डी साड़ी रेडी, जल्द सीधा मकान तक मिल जाओ। तो फैमिली जना, मैं मकान तक पहुंचा, जो ही मकान तक पहुंचा मकान सारा सुनना ही सुनना पे दिया, टीवी चलती पे मकान च कोई कहनी। ये देखो, टीवी चलती पे मकान च कोई कहनी। ये सारे कपड़े खलन, ये भी मेरे कपड़े खलन, इतना टीवी लॉन्च है साडा, सारा टीवी लॉन्च इो ही, सारा टीवी लॉन्च भी इो है, साड़ी सुमन की जगह भी इो है।
उम्मीद है कि तुमको सारी वीडियो चंगी लगी होगी। अगर सारी वीडियो तुमको चंगी लगी हो तो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुरा है। मतलब मिल जाए इंशाल्लाह नवी वीडियो नाल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।